qué? ¿Cuándo? ¿Vos dices de sonreír? ¿Y carne que padre me? Yo amo cata. ¿Qué lugar burre amo carne vale que padre me? ¿También amo cata, güey? ¿Itana khasiyat kya hai is aam khane wale mein? Ye aam aadmi ka bhi khata hai. Koi problem hai. So mujhe bhi gaaliyan dete dete main bhi thak chuka hu iske bare mein. Mera hindi ko maaf karna, main hindi itna acha nahi janta hu. Isliye man ki baat nahi bolta hu main. Chalo dil ki baat bol leta hu. सब सब जानते हैं। आम आदमी जो यहाँ है इनसे बात करने के लिए आया हूँ। पहले यहाँ क्यों आया हूँ मैं? मेरा क्या रिश्ता है दिल्ली से? मेरा क्या रिश्ता है आम आदमी पार्टी से और राघव चड्ढा से? रिश्ता है, इनका सोच से रिश्ता है मेरे लिए। अरविंद केजरीवाल जो है मुझे एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। इस देश में जिन मुद्दे पे वो लड़ रहे हैं, और एक पार्टी है जो उनकी रिपोर्ट कार्ड से लड़ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी आम खाने वाला है, देशभक्ति के बारे में बात कर रहा है। इनका देशभक्ति कभी, उनका डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, आरएसएस बीजेपी, और ये जो आम खाने वाला है ना, इनका डेट ऑफ बर्थ है मेरा देशभक्ति का, 1947 अगस्त 15। इससे पहले ये लोग तो ब्रिटिश लोगों की बूट लिकर्स थे। ये लोग जो आरएसएस आप जो बोल रहे हैं, पटेल साहब ने इनको बैन किए थे कि आप आतंकवादी पक्ष है भाई। तो इन्होंने भीख मांगा था, हम चुनाव नहीं करेंगे, विल नॉट बी इन पॉलिटिक्स। और इन लोगों के बारे में कोई देशभक्त हीरो नहीं है, इसीलिए किडनैप कर रहे हैं। पटेल को किडनैप किया ये लोग भाई, 3000 करोड़ का स्टैचू बना के उसके सामने सेल्फी देके। भगत सिंह को किडनैप कर रहे हैं लोग, भगत सिंह इनके खिलाफ थे। देखिए, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस पीपल, फॉरगेट दैट। आम आदमी ये सोचना चाहिए, ये चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री को चुनाव करने के लिए? अरे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक कॉमन सेंस है, आम आदमी प्रधानमंत्री को चूज नहीं करता। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इसमें। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की उम्मीदवार जो है, आपकी रिप्रेजेंटेटिव जो है, आपको सिर्फ ये जानना चाहिए क्या उसको आपकी समस्याओं का परिचय है, क्या उसको आपकी समस्याओं के बारे में कुछ विजन है, क्या आपका प्रतिनिधि बन सकता है। 130 करोड़ इंडियंस एंड 90 करोड़ वोटर्स, 543 पार्लियामेंटेरियंस, These people have to come together. आज पानी के मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे। मैं भी लग रहा हूं बैंगलोर सेंट्रल से, और मैं जा रहा था एक स्लम में। देखिए, एक छोटा सा ड्रम है और वन लेडी, एक औरत, ये 2 लीटर 1.5 लीटर की एक पेप्सी और ये बॉटल्स रहता है ना, प्लास्टिक बॉटल्स, एक 20 पीस क्लीन कर रही थी। मैंने पूछा, क्या है इसको क्यों क्लीन कर रहे हैं आप? तो पता नहीं है पानी कब आएगा। इतने सालों की राजनीति में, इतने सालों की ये पॉलिटिकल पार्टीज नेताओं ने, एक इंसान को जब प्यास लगता है तो उस वक्त पानी ढूंढना चाहिए, उस वक्त एक ग्लास पानी की जरूरत पड़ती है। 3-4 दिन बाद के प्यास के बारे में सोच रहे हैं क्या हाल पे रखे हैं, और इन मुद्दों पर नहीं लड़ रहे हैं लोग। रोजगार के बात करते हैं लोग। आज समझना चाहिए इस देश में क्यों ऐसा हो रहा है।
एक रेलवे क्लर्क के एक रोजगार के लिए, एक 1000 उद्योग के लिए लाखों नौजवान एप्लीकेशन कर रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। तो मैंने पूछा ये दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी के जो वक्ता थे जो एक मीटिंग में, पूछा रोजगार का मतलब क्या है भाई, टेल मी व्हाट इज अ जॉब। रोजगार इज नॉट समथिंग टू मेक योर हैंड एंड माउथ मीट, सिर्फ भूख हटाने के लिए है जे। रोजगार एक आदमी का भाषा है, उसका अस्तित्व है, एंड इट इज अ रेलेवेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, उसका प्रस्तुता क्या बोलते हैं, रेलेवेंस, प्रस्तांगिकता। चलो हिंदी ऐसे की बात ऐसे रहते, मतलब सेक्स तो बोल रहा हूं। तो ये लोग में ये सोच नहीं है कि हम शिक्षण व्यवस्था को बदलना चाहिए। यू हैव टू री इमेजिन द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ताकि 10 साल बाद कैसे कैसे रोजगार की जरूरत है इस देश को, उसको तैयार करने का सोच ही नहीं है। इसीलिए मैं आप और आम आदमी पार्टी के साथ हूं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे हैं ये लोग, ऑफ इक्वल एजुकेशन, एम्पावरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चुना है, क्योंकि आप सब लोग जो खड़े हुए हैं, आपको ये याद होना चाहिए और ये महसूस होना चाहिए, चुनाव में कोई नेता या कोई राजकीय पॉलिटिकल पार्टी जीतता नहीं है, हारता नहीं है। जब आप सही नहीं चुनते हैं तो आप हारते हैं, जब आप सही चुनते हैं तो आप जीते हैं। ये आम आदमी का जीत और हार की मिसाल है, मामला है। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम देखें कौन खड़ा है, पार्टी नहीं, क्या उसको हमारा समस्या का परिचय है, क्या उसको उसका दिल में हमारा दर्द है, क्या उसके पास विजन है, सच्चाई है, क्या हमारी जो आवाज है वो पार्लियामेंट में आएगा कि नहीं। क्योंकि इतने सालों से देखे हैं लाखों वोट लेते हैं और एक पार्टी का एक वोट बन जाते हैं। आज देखिए ये जो आम खाने वाला है ना, इसने कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, लेकिन सच है ये बीजेपी मुक्त भारत बनाया है। क्योंकि आजकल बीजेपी बारे में नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार, मोदी का सरकार, 500 जो कैंडिडेट्स है उनसे मत देखो, मुझे देखो। तो मैं चैलेंज करता हूं यार, इतने लोगों को क्यों खड़ा करना, आप ही खुद खड़ा हो जाओ ना। ये क्या कह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं देखिए। और इस मुद्दे पे हमें बोल रहे हैं जो प्रज्ञा ठाकुर जो है, हुज टेररिस्ट अक्यूज्ड, उनका चुनाव करने के लिए बोल रहे हैं। कैसे लोग चाहिए हमको संसद में, जो श्राप देती है, जो श्राप देती है, और किसको, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, एक शहीद को। तो अगर श्राप देना ही था तो उस टेररिस्ट को दे भाई। अब बोल रहे नहीं नहीं गवर्नमेंट कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ, अरे यार शी इज आउट ऑन बेल ऑन हेल्थ रीजंस, और ये आम खाने वाला बोल रहा है उनको मत देखो, मुझे देखो। बहुत डेंजरस है, ये सर्वाधिकार है, ऐसा नहीं चलेगा इस देश। इनकी बातों पे मत आइए आप लोग। मैं किसी चीज को गाली देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खुद को गाली देना है, क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार का, नॉन गवर्नेंस का रूट कॉज है हमारा इलेक्ट्रॉल प्रोसेस। इसको एक धंधा बना के रखे हैं लोग, ब्रांडिंग बना के रखे हैं लोग। हम मेजॉरिटी हैं, आम आदमी जो है ये लोग माइनॉरिटीज हैं। हम चुनना चाहिए, हमारा पैसा है। आम आदमी ये सोचना चाहिए जो संसद बनता है उसका तनखा हमारा पैसा है, उसका दिल्ली का बंगला हमारा पैसा है, उसका फ्लाइट चार्जेस हमारा पैसा है, और एक बार संसद बन गया तो मरते दम तक उसका पेंशन हमारा पास है। हमको ये पूछना है बाकी पैसा क्या हो रहा है, रोजगार क्या हुआ, पानी क्या हुआ, शिक्षण क्या हुआ, हेल्थ क्या हुआ, ये पूछना है हमको।
गुलामे के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, गुलामा जब हुआ था पूरा देश एक हुआ था और हमने कहा हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, इस सरकार के साथ हैं, लेकिन अभी चुनाव है, अगर मुद्दे पे लड़ रहे हैं तो आपका रिपोर्ट कार्ड चल रहा, क्या कहे थे आप, क्या कहे थे आप, उसके बारे में बात करो। रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे, किसानों के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हमारा नजर हटाना चाहते हैं। तो उल्लू मत बनो यार, चीटिंग करता है ये, चीटिंग करता है, समझ लो। उल्लू बनने में कोई फायदा नहीं है, उल्लू बनते ही रहेंगे, बन चुके हैं। आज सोचिए, एक पार्टी है, एक आदमी है, एक सोच है, आम आदमी पार्टी, जो काम कर चुके हैं, जो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आया हूं, क्योंकि वो मेरा जिम्मेदारी है कि इस देश में मेरा मुल्क का भलाई के बारे में जो भी सोचता है उनका साथ देना है मुझे। और आम आदमी पार्टी को ये बोलने आया हूं, इस देश में अगर आप अच्छी चीज कर रहे हैं, इस मुल्क के कोने कोने से आके हम आपके साथ रहते हैं। और इसीलिए मैं खड़ा हूं कि देश को बोलने के लिए ऐसे सोच को जिताओ, ऐसे लोगों को जिताओ, ये चाहिए मुझे। तो मेरे भीख भी आने मांगने आया हूं दिल्ली लोगों से। आप जो चार साल से एक संचलन, एक सेंसेशन, एक संघर्ष की ओड़ी से मूवमेंट जो शुरू किए है, इसको जारी रखे। हमको स्टेटहुड चाहिए, दिल्ली का स्टेटहुड चाहिए हमको, हमारा पैसा हमको चाहिए, हमारा, क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको और एक साथ देना है। वी नीड यू टू गिव देम मोर पावर। आप समझदार हैं, सोचिए, किसी के बातों पे मत आइए, क्योंकि ये आपकी जीत और आपकी हार की सवाल है। आली रे आली, अब आम आदमी का बारी आली। धन्यवाद। शुक्रिया प्रकाश। और ऊपर तो पता नहीं, बट मैं बहुत प्रभावित हुई आपके विचारों से, और आपकी हिंदी वाकई बहुत अच्छी है। तो साथियों, एक बार हमको स्टेटहुड चाहिए।